आड़ में गांजे के पेड़ उगाने वाले आरोपी रघुनाथ सिंह गोंड को गिरफ्तार करने में सिंगरौली जिले की सरई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरई थाना के गजरा बहरा में रहने वाले रघुनाथ सिंह ने अरहर की फसल के बीच गांजे की खेती कर रखी थी, जिसकी सूचना जब सरई थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी को मिली तो उन्होंने पुलिस टीम के साथ रेड की कार्यवाही की तो हरे गांजे के करीब 30 पेड़ खेत में लहलहा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे का वजन लगभग 16 किलोग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा मानी जा रही है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 6 फीट से 16 फीट तक है। फिलहाल पुलिस ने जब्त की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की है। सरई थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी ने बताया कि आरोपी अरहर की फसल के बीच गांजे की खेती कर उसे बेचने का कारोबार कर रहा था, जिसकी सूचना पर त्वरित कार्यवाही की गई है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। सर, सरई थाना क्षेत्र में गांजे की खेती करते पकड़े गए हैं, तो सर क्या कुछ मामला है? ये पूरे जिले भर में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के धरपकड़ के संबंध में, और इसी अभियान के तहत थाना सरई क्षेत्र में भी मुखबिर सक्रिय किए गए थे। मुखबिर की सूचना मिली थी कि गजरा बहरा के पास एक आदमी अपने घर से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किया हुआ है, और सूचना की तस्दीक कर थाने से सशक्त टीम बनाई जा करके रेड कार्रवाई कराई गई। तो मौके पे रघुनाथ पिता जगजीवन सिंह 24 साल निवासी जगरा वैला का व्यक्ति था, जो अपने घर के बगल से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किए हुए था। करीब 30 पेड़ गांजे के बरामद किए गए हैं, उनका वजन लगभग 16 किलोग्राम है, अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख की है, और विधिवत कार्रवाई की जा करके उसकी सबकी मौके पर जब्ती की गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में पेश किया जा रहा है। आगे भी अवैध मादक पदार्थों के संबंध में सूचनाएं लगाई गई हैं और उसके पालन में रेड कार्रवाई किया जा करके इस धंधे को यहाँ फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इस कार्रवाई में हमारे यहाँ सहायक उप निरीक्षक इसके दुबे, संपत तिवारी, प्रधान अक्षक माने खान, आशीष राजेश, इन आरक्षकों का प्रमुख योगदान रहा है, और इस कार्रवाई के लिए इनको उचित पारितोषिक से भी पुरस्कृत कराने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।